हाँ भाई, क्या हाल है भैया? द हाईलाइट ऑफ माई दुबई ट्रिप, माई विजिट टू पाकिस्तान पेविलियन इन दुबई एक्सपो। आई एम श्योर आप लोग भी शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे। मैंने जितना इसके बारे में सुना उससे कहीं बढ़ के पाया, आप सोच नहीं सकते। इस वक्त यहाँ 192 कंट्रीज के पेविलियन है, ये टॉप 5 में मेरे मुल्क का पेविलियन, क्योंकि भाई इसने छक्के छुड़ा दिए। गोरे शोरे रुक रहे, तस्वीरें ले रहे, 60% जो हमारा फुटफॉल जितना भी फॉरनर्स का है ना, पाकिस्तान के पेविलियन में आए। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट से मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुबई एक्सपो का मकसद बेसिकली ये कि हर कंट्री ने अपना पेविलियन लगाया है, एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सपो सेंटर में एक नुमाइश है कि जी हमारा मुल्क क्या क्या दे सकता है, हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो दुबई एक्सपो इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, एक सस्टेनेबिलिटी है, एक मोबिलिटी है, और पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी वाले पैनल पे। सो अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि दुनिया के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में आप बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में इट्स फुल ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्स, अनटैप्ड पोटेंशियल, तो उसी का एक्सपो यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बड़ा यूनिक डिजाइन है और राशिद राणा साहब ने इसको डिजाइन किया है। ये आगे पीछे मैं देख रहा हूँ, बस ठीक है, लेकिन हमारा पेविलियन चमक रहा है। देखें, ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, ये फिश के स्केल्स लग रहे हैं देखने में। ये राशिद राणा साहब ने 28,000 डिफरेंट पैनल लगाए हैं और हर पैनल का टेक्सचर जो है वो डिफरेंट है, यानी कि जैसे जैसे सूरज की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, इसका टेक्सचर, इसकी कलर ग्रेडिंग में जो है ना आपको चेंज नजर आएगा। तो यानी कि एक लिविंग थिंग बना दिया है इस पूरे आर्टिफैक्ट को। तो मतलब लोग रुक रुक के देख रहे हैं, गोरे और लाइन लगाई हुई है उधर, भाई वो समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तानियों ने क्या काम कर दिया भाई। अब आप ये सोचे बाहर इतने क्रेजी सीन्स हैं तो अंदर क्या होगा, तो मुझसे तो सबर नहीं हो रहा, आए आपको अंदर लेके चले और सैर कराए। तो पाकिस्तान पेविलियन में टोटल 8 स्पेसेस हैं और ये पहली स्पेसेस का नाम है डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि बताती है कि 9000 साल पहले से लेके ये पूरी टाइमलाइन है द लैंड ऑफ पाकिस्तान की। तो 7000 BC मेहरगढ़ में जो है अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज, जो कि आज के मौजूदा बलूचिस्तान के आसपास पाई जाती है। ये जो आप डिपिक्शन देख रहे हैं ये इंस्टॉलेशन में, ये एक सूरज का निशान है, गालिबन शायद वो सूरज की परस्तिश करते हैं, क्योंकि फार्मिंग जो है सूरज से उसका डायरेक्ट एक ताल्लुक है। तो उनकी जो खुदाई में से जो चीजें निकली थी उसमें से ये साइन मिला था। फिर उसके बाद हम चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वैदिक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, फिर पर्शियन रूल आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी यहाँ पे हमारे यहाँ होके गया है, फिर चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर यहाँ पे, कृष्णा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कितनी डाइवर्सिटी। और फिर 712 AD में हम असल में स्कूल में जो पढ़ते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं 712 से, जब मोहम्मद बिन कासिम आए सिंध में, फिर उमय्यद अब्बासीद का दौर आया, मुगल दौर के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, फिर सिख किंगडम, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और फिर फाइनली कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, 1947 क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये पूरा ये पेंट हुआ हुआ है, ये नवीद सादिक नाम के बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे इन साइट पेंट किया है ये पूरी डॉन ऑफ सिविलाइजेशंस, और इसी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रही है। बहुत खूबसूरत ये प्रोडक्शन हुई हुई है, अगर आप इसको देखें आप बहुत इंजॉय करेंगे। ओके जी, अब हम मौजूद हैं स्पेस 2 में, जिसका नाम है शीश महल, जो लाहौर में वाकई शीश महल है, उसी के थीम को रिप्रेजेंट किया गया है, इसको रिक्रिएट किया गया है। ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्लास वर्क, ये बहुत सारे पीसेस को जोड़ के बनाया गया है, ऊपर जाली हैं और ये जिस तरह लाइट नीचे आ रही है, लाहौर वाले शीश महल में भी इसी तरह आपको एक रिफ्लेक्शन मिलता है। ये फ्रेस्को रिक्रिएट किया गया है दोबारा, और इसी तरह अगर आप मुझे फॉलो करें तो ये स्क्रीन्स हैं दोनों मेरी साइड पे और सामने, तो जब हम शीश महल की खिड़की की तरफ जा रहे होते हैं तो ये वही जो है सिचुएशन रिक्रिएट की गई है। आपको लगेगा कुछ लम्हों के लिए कि आप वाकई लाहौर में मौजूद हैं, और ये बेसिकली दुनिया को ये दिखाना है, पाकिस्तान लोग हर कोई नहीं आ सकता, तो पाकिस्तान को हम थोड़ी देर के लिए दुबई लाएँ ताकि 192 कंट्रीज़ की जो आवाम है वो आके पाकिस्तान को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सके। तो ये शीश महल का जो हमने विंडो दी है, ये विंडो टू पाकिस्तान है।
इस वक्त मैं स्पेस 3 में मौजूद हूँ जिसका नाम है हेवन ऑफ नेचुरल वंडर्स, और ये आप एक रेप्लिका देख रहे हैं मोहाना सिविलाइजेशन जो कि 4,500 साल पहले सखर के आसपास आबाद हुआ करती थी। उनको लॉर्ड ऑफ द सीज कहा जाता था, जो इस तरह की किश्तियां बनाते थे जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं था। ये एशवुड और शीशम की मिक्सचर की बनाई हुई बोट है और ये लकड़ी बेंड नहीं हो सकती, तो उसको पानी में डाल के इसका एक स्पेशल प्रोसेस था जिससे फिर वो फ्लेक्सिबल हो जाया करती थी और उसके बाद ये बनाया जाती थी। ये एक लॉस्ट आर्ट है और क्यूरेटर्स ने बड़ी मुश्किल से सखर के आसपास एक फैमिली को ढूंढा जिन्होंने इसका रेप्लिका दोबारा बनाया जो इस वक्त एक्सपो पे मौजूद है। और मैं आपको बता नहीं सकता कितना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है कि 4,500 साल पहले हमारे रीजन के लोग लॉर्ड ऑफ द सीज कहलाया करते थे। इसी स्पेस में मेरे आगे और मेरे पीछे जाइंट किस्म की स्क्रीन्स लगी हुई है जिसमें पाकिस्तान की पूरी टोपोग्राफी दिखाई गई है, इंडस डेल्टा से लेके ऑल द वे केटू की पहाड़ियों तक के पाकिस्तान में लैंड में कितनी डाइवर्सिटी है। बर्फ भी मिलेगी, रेगिस्तान भी मिलेगी आपको, चटियल पहाड़ भी मिलेंगे, हिंगोल का नेशनल पार्क, कीर्थर, झीलें, रिवर्स, क्या कुछ नहीं है। इस 7 मिनट की ओवरवेलमिंग वीडियो का दिखाने का मकसद है कि पाकिस्तान एक छोटे से पैकेट में हर वो चीज़, हर नेचुरल ब्यूटी को समाये हुए है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने इसको दिल से देखा आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितना नेचुरल रिसोर्स दिया है और इट इज़ सो ओवरवेलमिंग। मैं आपको बहुत रिकमेंड करूँगा कि एक बार नहीं बार बार ये वीडियो आके देखिएगा। इसी तरह यहाँ पे एक और स्क्रीन लगी हुई है जिसमें पाकिस्तान का फ्लोरा एंड फौना यानी हैवानात और नबातात यानी के जानवर और पौधे के पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी कितनी है मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें ऐसे ऐसे मैंने एनिमल देखे, ऐसे ऐसे भालू देखे कि मैंने, हमें पता ही नहीं है पाकिस्तान में। सिंध का आईबेक्स अलग है, साइबेरियन अलग है, मतलब इतनी रेंज है हमारे पास कि हमें कभी चीज़ें दिखाई नहीं गई। एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ पर ये चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। ये चौथी स्पेस है जिसका नाम है सेक्रेट स्पेसेस, यानी कि इसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान का जो लैंड है यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी सदियों से एक साथ बहुत सारे मजाहब के लोग रहते हैं यहाँ पे। बुद्धिस्ट मॉन्क की रिप्रेजेंटेशन है, सिखिज्म, हिंदुइज्म, कितने मजाहब पाकिस्तान में रहते हैं उसकी डिपिक्शन की गई है, बहुत ही खूबसूरत है। ये स्पेस 5 जो कि एक्सटेंशन है सीक्रेट स्पेसेस की, यहाँ पे वीडियो डिपिक्शन में दिखाया गया है कि कितनी रिलीजियस डाइवर्सिटी पाकिस्तान के लैंड में एग्जिस्ट करती है। तख्त बाई से सिलसिला शुरू होता है बुद्धिज्म का, फिर करतारपुर का जो है हम गुरुद्वारा भी इसमें देखते हैं, साथ ही साथ इसमें हम हिंदू टेम्पल्स भी देखते हैं, कटास राज का टेम्पल हमें नज़र आता है। और ये मेरे सामने जो दो स्क्रीन है इसमें साइड बाय साइड चल रहा है कि एक तरफ जो है मुस्लिम श्राइन्स दिखाए जा रहे हैं, वज़ीर ख़ान मॉस्क दिखाई जा रही है, और साथ ही पीछे स्क्रीन पे मिट्टी की एक शादी दिखाई जा रही है एक हिंदू फैमिली की। सो द मैसेज दैट इज ट्राइंग टू बी पोर्ट्रेड इज के पाकिस्तान में ये रिलीजियस डाइवर्सिटी आज से नहीं सदियों से साथ रहती है, और ये गिने चुने इंस्टेंसेस जो हम सुनने में आते हैं पिछले 5, 10, 20 साल के ये डिफाइन नहीं करते। पाकिस्तान में रिलीजियस डाइवर्सिटी हजारों साल से एक हारमोनी में एक साथ रहती है। तो इन छोटे से स्पेक्स ऑफ, और लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड भी इन्हीं स्टोरीज में रहते हैं कि जी हमने तो सुना है पाकिस्तान में तो बड़ी इंटॉलरेंस है, तो ये छोटे मोटे इंस्टेंसेस हमें डिफाइन नहीं करते, हमें डिफाइन करती है हमारी ये रिच 8,000 साल की हिस्ट्री। और बिल्कुल पीछे आप जैसे देख रहे हैं लाल शहबाज जलंधर साहब की मज़ार की ये ओरिजिनल चादर है जिसको बाकायदा यहाँ पर लाया गया है और एक सूफी पैगाम इस पर दिया गया है जो कि बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि हम बहुत पीसफुल और टॉलरेंट लोग हैं।
जी अब हम स्पेस नंबर 6 में और इसका नाम है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और चूंकि हम अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे हमने बताया है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये इनोवेशन इसमें हमने दिखाई है, हमने मार्क किया है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन कौन सा वो टैलेंट है जो पाकिस्तान में बेहतरीन काम कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी उसकी एक डिपिक्शन है। और साथ ही साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप मुझे अगर फॉलो करें, अब जैसे हमने हमेशा सुना कि पिंक सॉल्ट दुनिया की इतनी बड़ी डिमांड है और पाकिस्तान में वो भरा पड़ा है, तो ये उसका एक सैंपल हमने यहाँ रखा हुआ है। और साथ ही साथ ये पीछे स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, ये 1.5 टन का, ये 1500 किलो का ये एक पीस रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप मुझे फॉलो करें तो पिंक सॉल्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ये विंडो स्क्रीन बन जाती है, इस पर भी दिखाई जाती है। और साथ में यहाँ पे भी मेंशन किया है इसमें कितना कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, कितने मिनरल्स हैं, ये कितनी ज़रूरी है। ये अरबी में भी लिखी है, अंग्रेजी में भी लिखी है, ताकि दुनिया वाले आके समझें कि यार पाकिस्तान में ये चीज़ खुला पड़ी है और दुनिया हमारा माल उठा उठा के अपना लेवल चुपका चुपका के अरबों डॉलर कमा रही है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप मेरे साथ आए तो। स्पेस 6 का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर, ये 6 टैबलेट्स रखी गई जिसकी प्रोग्रामिंग पाकिस्तानी बच्चों ने की हुई है। हर बंदा आ रहा है, अपने हाथ से कुछ भी लिख रहा है और लोग इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने मुझे बताया कि ये सबसे हिट आइटम है, बच्चे लगे रहते हैं इसमें, अपना नाम लिख रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, खुश है बच्चे। तो इसकी प्रोग्रामिंग हमारे बच्चों ने की हुई है। ये है स्पेस नंबर 7 जिसका नाम है बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट रिफॉरेस्टिंग अवर प्रेशियस लैंड। दुनिया को ये मैसेज देना कि पाकिस्तान एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मुल्क है और अच्छा एनवायरनमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटीज को जन्म देता है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज से मुल्क आगे प्रोग्रेस करता है। ये एक फॉरेस्ट की फील दी गई है, फॉग मशीन है, धुआं धुआं होता लगता है आप जंगल में जा रहे हैं। ये 900 बैम्बू ट्रीज की स्टिक्स लटक रही हैं और ये जितनी लेजर लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, हर लेजर लाइट के साथ एक चरंद एक परिंदे की आवाज एसोसिएटेड है। तो जैसे ही मैं लेजर को हाथ लगाता हुआ जाऊंगा या इनके थ्रू गुजरूंगा तो कभी कोयल की, कभी हफाख्ता की, कभी मैना की, कभी चिड़िया की आवाज आती रहेगी। तो आपको ये फीलिंग आएगी कि आप वाकई एक किसी जंगल में किसी फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे हैं। और यहाँ पे आके ये पानी का एक मिराज सा बना हुआ है, लगता है कि आप एकदम पानी के अंदर आ गए हैं। ये बड़ा माइंड बॉगलिंग किस्म का एक्सपीरियंस है और ये मुझे लग रहा है कि मैं पानी में हूं, लेकिन ये पानी नहीं है, ये फ्लोर है। तो दुनिया को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान खाली अपने ह्यूमन रिसोर्स में ही काम नहीं कर रहा, अपने एनवायरनमेंट में भी बहुत सीरियस है। और बिलियन ट्री सुनामी जिस तरह हमने देखा, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत दुनिया ने इसकी सताइश भी की। और यही मैसेज हम आम आवाम को भी देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। और अब हम हैं पाकिस्तानी पेविलियन के आखिरी स्पेस में जिसका नाम है क्राफ्ट्स। और यहाँ पे बेसिकली हमने मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में जो हैंडीक्राफ्ट्स का जो एक भरपूर टैलेंट है, कितनी खुशा है, नक्काशी है, अजरक है, क्या कुछ नहीं है। तो उसकी ये सामने एक प्रोजेक्शन चल रही है कि किस तरह हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं। बड़ी खूबसूरत फुटेज है, लोग यहाँ बैठ के आराम से उसको देखते हैं। कुछ आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट भी दिया हुआ है ताकि ये अनसंग हीरोज हैं, क्योंकि दुनिया जो है ना अब मशीनी प्रोडक्शन से कट रही है, अब वो आ रही है हैंडीक्राफ्ट की तरफ। और पाकिस्तान में हैंडीक्राफ्ट्स का इतना कोई टैलेंट है कि आप सोच नहीं सकते। अब ये एक छोटा सा सेक्शन है बाजार के नाम से, बेसिकली इट्स अ सुवेनियर शॉप। कुछ चीजें फॉर सेल हैं लेकिन कुछ चीजें ओनली फॉर डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देखेंगे ये सारी हैंडमेड है, मतलब ये हाथ से बनी है, इसमें कोई मशीन इस्तेमाल नहीं हुई। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ये ट्रक आर्ट से रिलेटेड, ये चाय की चैनक है, ये छोटे से बॉक्सेस हैं, केटल्स हैं, प्लेट्स हैं, ये सारी चीजें हाथ से बनी हुई। तो दुनिया आके देख रही है यार पाकिस्तानी के पास क्या कमाल टैलेंट है। ये आप जैसे देख रहे हैं कुर्ते हो गए, पेशावरी चप्पल वगैरह हो गई, टोपियाँ हो गई हैं, शर्ट्स वगैरह हैं। इसी तरह ये बराबर वाले अगर सेक्शन में आप आएँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी पॉटरी मौजूद है, कुशन्स वगैरह हैं, एम्ब्रॉयड्रीज का काम हुआ हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं
हैंडमेड है. दिस इज ब्यूटीफुल. मेरे पास एक एस्ट्रे भी है ऐसी डिजाइन की. दिस इज सो रिमार्केबल. तो भाई अब तक थे पाकिस्तानी फ्लेवर देखने को, लेकिन पाकिस्तानी फ्लेवर दुनिया को चखाना भी है, ताकि भाई अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही खींच के ले आए. तो ढाबा के नाम से यहाँ पे एक छोटी सी शॉप मौजूद है जिसमें पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड मिलेगा. कराची की चाट मिलेगी आपको, गोलगप्पे, समोसे, सैंडविचेस, चपली कबाब, बर्गर, सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, ताकि लोग ये भी साइड एक्सपीरियंस करें कि यार पाकिस्तान देखने में तो बड़ा मजे का है, खाने में उससे ज़्यादा प्रो मैक्स लेवल का है. और आने वाले दिनों में, अभी मुझे क्यूरेटर ने बताया है कि ओपन एयर भी खुल रहा है इसमें. अभी ये तो स्नैक्स की मंचिंग वाला सीन है. वहाँ पे प्रॉपर कढ़ाई, बिरयानी, सब दाल वाल सब चलेगा. बहुत क्रेजी सीन होने वाले हैं पाकिस्तानी पवेलियन में. भाई उमून पहले पेट पूजा फिर काम दूजा होता है, लेकिन हमने पहले काम कर लिया ताकि भूख और बढ़ जाए. और अब करारी चाट और समोसे और बर्गर. ये आप देख रहे हैं पूरा फ्लेवर पाकिस्तान का दिया हुआ है. चारपाई स्टाइल की सीटिंग दी हुई है ताकि लोगों की हर सेंस पाकिस्तान को फील करे, चाहे वो टच की सेंस हो, टेस्ट की सेंस हो, देखने की सेंस हो, सूंघने की सेंस हो, हर सेंस में पाकिस्तान जोर से बोलेगा. तो आइए चल के कुछ खाना खाते हैं. कमाल, क्या चटनी है. मुझसे रहा नहीं जा रहा, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं अभी खाने लगूं. बहुत भूख लगी है. तो जी ये था दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पेविलियन का डिटेल टूर. एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इनफ कि कितनी ओवरवेलमिंग फीलिंग है. और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके कि एक पाकिस्तान का एक मिनी ट्रेलर, अ विंडो टू पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड. और ये बहुत अच्छा क्यूरेट किया गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने बहुत अच्छा पेविलियन बनाया. बाय द वे, जब आप एंटर होंगे, ये म्यूजिक आप जो चल रहा है ना, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा. ये खास पाकिस्तानी पेविलियन के लिए प्रोड्यूस किया गया है. कुछ रोहेल हयात साहब ने बनाया है, कुछ हमारे डिफरेंट फोक सिंगर्स ने इस पे हिस्सा लिया है. पूरी जो ओवरऑल वाइब है इस जगह की बहुत ज़बरदस्त है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारे इतने अच्छे क्यूरेटर्स ने इतना अच्छा पेविलियन डिज़ाइन किया. जो लोग यूएई में हैं, अभी तक नहीं आए हैं, आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि फ़ौरन अपनी फैमिली को लेकर आएँ. अगर आपके बच्चे यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, तो उनको एक विंडो टू पाकिस्तान दिखाएं कि बेटा ये भी साइड है पाकिस्तान की. इसी तरह जो लोग अनकरीब ट्रैवल करने आ रहे हैं दुबई में, तो ज़रूर दुबई एक्सपो आएँ और पाकिस्तान पेविलियन देखें, और आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को कितनी डाइवर्सिटी दी है. चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, बस हमें इस ह्यूमन कैपिटल को, इस एसेंस को हमने कैश करना है. हमारी हज़ारों सालों की सिविलाइजेशन है, इसको हम बहुत आगे भी लेके जा सकते हैं. देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी. ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.